नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी। वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपने मुन्ना भाई MBBS देखी होगी, उसमें डॉक्टर का किरदार निभाने वाले पुरुष देबू जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे उनकी सिनेमाई करियर के बारे में। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमको वक्त देने के लिए। और सर, आपका जो करियर रहा है, हम आपको उस चरित्र के बारे में जानते हैं जिसके पूरे देश में आपकी पहचान है। रियल लाइफ में भी क्या आप डॉक्टरों जैसे सीरियस हैं या? पहली बार तो मैं रियल लाइफ में डॉक्टर नहीं हूँ। बहुत लोग बाय मिस्टेक वही समझते हैं कि मैं रियल लाइफ में भी डॉक्टर हूँ। दूसरी बात, पहले तो नमस्कार करना चाहता हूँ वन इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के दर्शकों का, जो धीरेन्द्र जी के साथ ये इंटरव्यू मुझे मौका दिया गया, तो आई एम वेरी थैंकफुल। और मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी बातें हम करें जिससे दर्शकों को भी पहली बार सुनने का मौका मिले। तो लोग मुझे मुन्ना भाई MBBS फिल्म के डॉक्टर रुस्तम किरदार से जानते हैं, लेकिन मेरा नाम है कुरुष देबू। मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ, पिछले 35 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। मैंने रोशन तनेजा में एक्टिंग कोर्स किया था 1987-88, और मेरी पहली फिल्म थी NFDC की आर्ट फिल्म पर्सी, जिसमें मैंने मामास बॉय का हीरो का कैरेक्टर किया था, और आई वाज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो नया जनरेशन है वो मुझे मुन्ना भाई MBBS से जानते हैं, लेकिन उसके पहले मैंने शाहरुख खान के साथ कभी हाँ कभी ना में शाहरुख खान का बेस्ट फ्रेंड का रोल किया था, ESD करके किरदार। और मैंने एक इंटरनेशनल कैनेडियन फिल्म की थी सच ए लॉन्ग जर्नी, जिसमें मैंने पागल का किरदार किया था 97 में, एंड आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन कैनेडियन जीनी अवार्ड। तो ये रही मेरी थोड़ा इंट्रोडक्शन जर्नी। अब आप पूछते हैं कि लोग मुझे डॉक्टर के किरदार से जानते हैं या मैं डॉक्टर जैसा कैरेक्टर हूँ। तो एक एक्टर को कभी भी कोई कैरेक्टर की टाइपकास्ट में बैठना नहीं चाहिए, बिकॉज एक्टर को हर एक कैरेक्टर के लिए रेडी रहना चाहिए। मैंने एक हॉरर फिल्म की अभी डेड ग्रेवियार्ड करके, जो OTT प्लेटफॉर्म पे आ रही, उस वो हॉरर फिल्म में मैंने मेन विलन का किरदार किया। तो वो मुन्ना भाई MBBS से जो गुडी गुडी बॉय जो डॉक्टर रुस्तम पावरी, उससे एकदम उल्टा कैरेक्टर। तो हर कैरेक्टर का एक सूर होता है, और उस फिल्म में उसका रोल कितना अहम होता है वो ऑडियंस फैसला करता है। लेकिन मुन्ना भाई MBBS एक रिपीट वैल्यू फिल्म है, जैसे कि शोले। तो इसके लिए वो बच्चे लोगों से लेकर बुजुर्ग लोग तक सब ने देखी है, सिनेमा में देखी है, हर बार चैनल पे आते हैं, इसकी क्या चैनल करते हैं वो देख लेते हैं। तो इसके लिए ये जो कैरेक्टर है डॉक्टर रुस्तम पावरी, वो इमॉर्टल है। तो एक एक्टर की भी चैलेंज होती है कि मुझे ऐसे ही और रोल मिले, ऑनर बैक रोल, जिसने मुझे कुछ परफॉर्मेंस करने का मौका मिले। तो मेरे लिए भी ये चैलेंज है कि मुझे मुन्ना भाई MBBS के बाद बहुत सारे कैरेक्टर्स किए। मैंने 50 फिल्म की, 25 TV सीरीज की, 20 वेब सीरीज की, 200 TV कमर्शियल्स की, लेकिन जो रोल मुझे मिला था मुन्ना भाई MBBS में, ऐसा रोल अभी तक मुझे मिला नहीं। बाकी कुछ लोग मुझे कॉमेडी किरदार टैक्सी नंबर 911 में जॉन अब्राहम और नाना पाटेकर के साथ किया था, उससे पहचानते हैं। इमोशनल रोल माई फ्रेंड गणेशा 2 में बच्चे लोग पहचानते हैं, मैंने जो अंदर बेबी थी उसका बाप बना था, तो वो रोल से पहचानते हैं। और हर एक किस्म का रोल मैंने किया है, कॉमेडी से लेकर विलन से लेकर सपोर्टिंग कैरेक्टर से लेकर हिस्टोरिकल कैरेक्टर। तो जर्नी तो अच्छी रही, लेकिन जैसे आपने बताया कि और कुछ बाकी है, तो हाँ, एक क्रिएटिव पैशन की भूख है। एज एन एक्टर मैं चाहता हूँ कि मुझे मुन्ना भाई MBBS जैसे पावरफुल ऑटर बैक रोल्स मिले। लंबी जर्नी रही सर, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि कलाकार के जीवन में एक वक्त आता है जो ऐसा रोल जो इमॉर्टल हो जाता है, अमर हो जाता है, ये काफी देरी से मिला आपको ऐसा लगता है? हाँ, देखो ना, मैंने जैसे आपको बताया 88 में मैंने पहली फिल्म शूट की थी पर्सी, और मुन्ना भाई MBBS का शूट हम लोगों ने 2003 में किया था, दिसंबर में 30 दिसंबर को रिलीज हुई थी। ओके, तो इतना लंबा गैप के बाद मुझे ऐसा कैरेक्टर मिला, और वो कैरेक्टर बॉक्स ऑफिस पे कामयाब हुआ और क्रिटिकली भी अपने। तो
तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। अब आप सोच लीजिए 2003 और अभी चल रहा है 2022, अभी भी अच्छे रोल की स्ट्रगल चालू है, मतलब काम तो मिल रहा है ऊपर वाले की दुआ से, थैंक्स टू राजकुमार हिरानी सर एंड डोना चोपड़ा सर जिन्होंने मुझे ऑडिशन में से कास्ट किया था इस फिल्म के। जो कुछ भी हो मुनावे एमबीबीएस की बदौलत मेरा इसमें कंट्रीब्यूशन कम है, फिल्म का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, बट एज एन एक्टर एक जिम्मेदारी बनती है कि आपको कोई भी कैरेक्टर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो आप उसके ऊपर मेहनत करो, उसके अंदर जान डाल दो, वो ही एक मकसद रहता है एक्टर का। कोई रोल छोटा नहीं होता है, एक्टर छोटा होता है बाकी रोल छोटा नहीं होता है। एक एक सीन में भी बहुत लोगों ने जान डाली, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंस कि मुझे ऐसे रोल जरूर मिलेंगे। और ये जो कैरेक्टर एक्टिंग की जो जर्नी है बिफोर मुन्ना भाई एमबीबीएस और पोस्ट मुन्ना भाई एमबीबीएस, वो जर्नी जारी रहेगी जब तक जान है तब तक। एक्टर के अलावा और आप क्या क्या हैं सर, मतलब आर्टिस्ट के अलावा एक इंसान के तौर पर, एक शौक के तौर पर? देखिए एक्टर के अलावा तो बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं, एक अच्छा इंसान होना एक्टिंग के लिए बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि एक्टर्स के अंदर जैसे इमोशंस के जो भाव होते हैं, अगर आप एक जेन्यून ह्यूमन बीइंग होंगे तो आपके इमोशंस भी वेरी नेचुरल और जेन्यून आए। तो एक एक्टर के लिए एक अच्छा इंसान होना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ के हर एक का पैशन अलग अलग होता है, और ये एक ऐसा फील्ड है कि इसके लिए आपको 24/7 365 डेज आपको डेडिकेट करना पड़ता है। आप एक्टिंग के अलावा अगर आप कुछ और करने जाओगे, एज फॉर एग्जांपल कुछ लोग शेयर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका फोकस डाइवर्ट हो जाए। ओके, तो हमें फोकस रखने के लिए हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कभी कभी, अभी तो कोविड पेंडेमिक चल रहा था तो मैंने टोटल बंद कर दिया था, लेकिन कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आती है कि सोशल वर्क के लिए जाना पड़ता है, कभी कभी वीडियो बाइट्स देना पड़ता है, कभी कभी जज बनने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत स्कूल्स कॉलेजेस वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो मैं जाता हूँ। लेकिन फिलहाल मैंने सब कुछ बंद कर दिया बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से। एज ऑफ नाउ आई एम नॉट डूइंग एनी अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन शूटिंग, सिर्फ शूटिंग पे जाता हूँ और कहीं नहीं। सर आप एक्टर हैं और कहते हैं कि सिनेमा जो होता है वो समाज का आईना होता है, आप वही काम करते हैं जो हम देखते हैं, जो हमको प्रतिबिंबित कर होता है, आपकी भी कोई आइडियोलॉजी हो, आपको लगता होगा कि हाँ इस रास्ते पर चलना, क्योंकि देश में बहुत कुछ घट रहा है। देखिए आइडियोलॉजी एक जैसे होता है ना मॉरल बिलीफ सिस्टम, हर एक पर्सन की एक खुद की मॉरल बिलीफ सिस्टम होता है, और वो बचपन से ही आपका जो कल्चर होता है, आपके जो फैमिली का जो आपको कहते हैं ना एक अनुशासन जो होता है, आपको एक तहजीब फैमिली सिखाते हैं, तो ये बचपन से शुरू होता है। अच्छा नहीं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में मैं ऐसा प्रेफरेंस रखता हूँ कि एक्टर्स लोगों को पॉलिटिक्स से बहुत दूर होना चाहिए। तब वजह यही है, जैसे मैंने आपको एक शेयर इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल दिया कि अगर आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रखते हैं तो फिर कभी क्या होता है कि आप एज एन एक्टर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और फिर आप वो पॉलिटिकल फील्ड में जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो पॉलिटिकल फील्ड्स में गए, मैं नाम नहीं दे सकता हूँ, लेकिन बाद में वो लोग आए तब तक तो उसका मार्केट हाथ से चला गया। तो मैं पॉलिटिकल बिलीफ में नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि भाई हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ अलग अलग विचारधारा है, उसका सम्मान करना चाहिए, हर एक का अलग अलग पहलू होता है, आइडियोलॉजी होती है, तो सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए, और एक विरोधाभास छोड़कर हमें एक साथ रहने की कोशिश करना चाहिए, बिकॉज इतने सारे कल्चर्स हैं हमारे में, तो इतने सालों से, कितने हजारों सदियों से हमारे जो देश है वो अलग अलग विचारधारा को साथ में लेकर चल रहे हैं,
तो मुझे उम्मीद है कि भारत एक ऐसा देश है जो अलग अलग जातियाँ, धर्म, आइडियोलॉजी सबको एक साथ लेकर चल रहा है, और ऐसा ही होना चाहिए, तभी अपना भारत देश दुनिया में इतना आगे बढ़ गया। अभी देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है सर? नहीं, मैं उसके बारे में कमेंट्स करूंगा नहीं, मैं उससे बच के ही रहूंगा, क्योंकि एज एन एक्टर ये मेरा पर्सनल व्यू, मैं मीडिया में कभी प्रोजेक्ट नहीं करता हूँ। वॉट एवर इज हैपनिंग इन माई कंट्री, आई एम वेरी लकी, मैं हिंदुस्तान का, मेरा भारत देश का, इंडिया का शुक्रगुजार हूँ कि मैं एक ऐसा देश में रह रहा हूँ जो अगर आप दूसरे देशों के साथ कल्पना करें तो हम बहुत सुखी है। दूसरे देशों में अराजकता जो चल रही है, हमारा जो विभाजन हुआ वहां चल रही है, बहुत सारे देश हैं, एशिया के लो या आप कोई दूसरे कॉन्टिनेंट के लो, उसकी कंपेयर में हिंदुस्तान बहुत अच्छा देश है, और यहाँ की प्रजा में भी एक टॉलरेंस लेवल है। और होता है ना कि हर देश में कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो एक कहते हैं कि एक ऐसा देश है जिसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, फिर भी एक इमेज है हिंदुस्तानी, भारतीय, इंडियन की। और जब भारत देश पे मुसीबत आती है तो पूरा देश एक हो जाता है, यूनाइटेड हो जाता है, चाहे वॉर हो या टेररिज्म अटैक हो या क्रिकेट हो या बॉलीवुड हो या एनी फिल्म इंडस्ट्री। तो मैं अपना देश से बहुत खुश हूँ, और आई एम वेरी वेरी लकी कि मैं भारत देश में पैदा हूँ। एक अंतिम सवाल सर, आपको जानने पहचानने, आपको पसंद करने वालों के लिए, हम आने वाले समय में आपको किस किस किरदार में देखने वाले हैं, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं, थोड़ा आपके चाहने वालों के? जी, मैं बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। मैं एक डायरेक्टर साहब है विशाल इनामदार साहब, मैं उसकी एक फिल्म कर रहा हूँ काफी गुडलक, उसमें काफी गुडलक इज द मेन हीरो, दैट लोकेशन रेस्टोरेंट इज द मेन हीरो ऑफ द फिल्म, कंटेंट इज द किंग, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसमें मैं काफी गुडलक का ओनर बना हूँ, मुस्लिम ईरानी कैरेक्टर, और मैं 65 इयर्स का बुजुर्ग कैरेक्टर बना हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत चैलेंजिंग है। उसमें मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो नेचुरली मैं ऑडियंस को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब मेरी फिल्म काफी गुडलक रिलीज हो तो आप ये फिल्म जरूर देखना, बहुत अच्छी फिल्म है। दूसरी, मैंने जैसे आपको बताया था डैम ग्रेवियार्ड करके एक हॉरर फिल्म है, उसमें मैंने महेंद्र सिंह राणा का विलन का किरदार किया हूँ, मैं हीरोइन का बाप बना हूँ। बट जैसे होते हैं ना कि कुछ कुछ कैरेक्टर्स मास्क पहन के चलते हैं, सोसाइटी की नज़र में, समाज की नज़र में वो एक वाइट पर्सन होता है, लेकिन जब उसका मास्क निकलता है तो पता चलता है कि वो कितने गंदे हाथ, दोहरा चरित्र, कितना गंदा काम करता है, पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ये लेवल का बनता है। तो ये फिल्म भी आप ज़रूर देखें, OTT प्लेटफॉर्म पे 2-3 महीने में ज़रूर आने वाली है। फिर मैंने एक वेब सीरीज की है तुरंगा, प्रदीप सरकार ने डायरेक्ट की है, तो उसमें मैंने एक अपना क्या कहते हैं कि एक अजीब कैरेक्टर है जिसकी माँ का मर्डर हो जाता है, वो कैरेक्टर मैंने किया है, तो उसमें भी बहुत सारे शेड्स है। तो season 1 किया है, season 2 बाद में आएगी, तो वो भी मेरा एक चैलेंजिंग कैरेक्टर है। बाकी मैंने एक और फिल्म की है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, उसके अंदर मैंने ऐसा किरदार किया है जो आज तक नहीं किया है, जिसके अंदर कॉमेडी है, लेकिन वो फिल्म का मतलब इस कॉल मराठी फिल्म कॉल मनसून फुटबॉल, सागरिका घाटके इज द मेन हीरोइन, तो उसमें मैंने एक कैरेक्टर किया है मराठी फिल्म, तो वो थोड़ा फनी कैरेक्टर है, थोड़ा इमोशनल कैरेक्टर है, और डेलना जीरानी मेरी वाइफ बनी है, तो वो भी एक चैलेंजिंग कैरेक्टर है, और पहली बार मराठी फिल्म है, मतलब 2-3 की है फिल्म, तो एक अच्छा कैरेक्टर है। और बाकी तो आप मेरी प्रोफाइल IMDB और विकीपीडिया पे देखेंगे तो मेरी पूरी लेखा जोखा सब मिल जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने की, आप यूं ही मुस्कुराते रहें और लोगों का मनोरंजन करते रहें। आपको भी आपकी करियर के लिए और वन इंडिया के दर्शकों के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके साथ मैंने एक इंटर एक्सचेंज किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में फिर से हम मिलेंगे जब मेरी फिल्म रिलीज होगी तो वन इंडिया पे वापस हम आएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार, थैंक यू वेरी मच। तो मुलाकात हमने आपसे आपकी करवाई देबू जी से, बहुत ही अच्छी ये बातचीत रही। ये बात समझ में आई कि ऐसे किरदार जो सिनेमा के पर्दे पर दिखाई देते हैं अपने एक विशेष कैरेक्टर के हिसाब से, लेकिन आने वाले समय में उनके चरित्र भी बदलते हैं, ना केवल सिनेमाई पर्दे पर लेकिन जहनी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर इंसान को कैसा होना चाहिए ये भी उनके व्यक्तिगत जीवन से पता चलता है। देबू जी एक ऐसी ही शख्सियत है जो वास्तविक जीवन में भी मुस्कुराना चाहते हैं और जिन्हें सब कुछ खूबसूरत नजर आता है। रायपुर से वन इंडिया के लिए धीरेंद्र गिरी गोस्वामी।